Hello guys, I hope you are doing good. Welcome to the YouTube channel of Leap Scholar. My name is Rajiv Sangwan. I live in UK and today I'm going to take you to the Coventry University, one of the universities in the UK. And definitely I'll show you around university campus tour. And also we will be speaking with some students about their experiences in the UK, also about their experiences in the Coventry University itself. यूनिवर्सिटी का मेन पार्ट क्या बोलते हैं इसको, ये कन्वोकेशन वगैरह होती है यहाँ पे, कन्वोकेशन होती है। तो यहाँ पे भाई कन्वोकेशन वगैरह होती है, ये मेन चर्च एरिया है जहाँ पे अगर कोई यहाँ पे डिग्री कंप्लीट कर लेता है, डिग्री कंप्लीट होने के बाद वहाँ पे कन्वोकेशन होती है। आज कन्वोकेशन हो रही थी तो काफी सारे बच्चे जो है यहाँ से निकल के देख लो निकल रहे हैं ना, वो डीन निकल रहा है क्या, वो देखो डीन निकलने लगा है। तो ये डीन निकल रहे हैं यहाँ से, और अगर कॉमेंट्री यूनिवर्सिटी डालोगे ना या कॉमेंट्री डालोगे आप तो ये जो पीछे वो दिख रही है ना आपको, वो बनी हुई पिक्चर ये जरूर दिखेगी आपको। तो ये है कॉमेंट्री यूनिवर्सिटी का हब जहाँ पे बच्चे अपने आके अपनी मतलब पढ़ाई वढ़ाई कर सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और इस तरफ जो ये है ये भी कॉमेंट्री यूनिवर्सिटी का पार्ट है, उस तरफ लाइब्रेरी है और उस तरफ वो जो दूसरे बाकी जो इंजीनियरिंग सेंटर है या MBA सेंटर है वो सारा उस तरफ है। और ये इस तरफ स्पोर्ट्स हॉल है कॉमेंट्री यूनिवर्सिटी का, और ये पूरा जितना भी एरिया है ये सारा सारा कॉमेंट्री यूनिवर्सिटी का है। तो ये मेरे साथ यहाँ पे हैं सुयोग, और कौन सा कोर्स कर रहे हो आप? मैं स्पोर्ट मैनेजमेंट। और आप? शिवानी, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजमेंट। अभी मेरे साथ हैं यहाँ पे संजय। तो संजय कौन सा वाला कोर्स कर रहे हो? बैचलर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। प्रतिमा। एंड व्हाट्स योर कोर्स? LLM इन इंटरनेशनल कमर्शियल लॉ। I'm doing LLM in International Commercial Laws. Okay, and what about Coventry University? मतलब कैसी लगी Coventry University और मतलब यहाँ पे जो community वगैरह वो किस तरह की है? अभी भी मैं weather को used to होने का try कर रही हूँ, but like overall it's a nice experience. Coventry मैंने इसलिए choose करी क्योंकि ये जो city है ना engineering के लिए काफी famous है। Okay. हाँ, और ये World War II से पहले तो UK की backbone हुआ करती थी economy की। और जहाँ पे अभी हम खड़े हैं ना, ये पीछे अगर आप लोग दिख रहा हो तो ये यहाँ पे वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे यहाँ पे बम गिरा था, तो वो जगह है यहाँ पे। क्योंकि मेरा एक बहुत ही पर्टिकुलर कोर्स था, आई हैव चोजन स्पोर्ट एज अ पर्पस कि मेरे को इस इंडस्ट्री में घुसना था, तो दैट इज द रीजन आई चोज कॉवेंट्री यूनिवर्सिटी बिकॉज इट इज रियली वेल रैंक। हाउ गुड इज द कम्युनिटी इन द कॉवेंट्री यूनिवर्सिटी इटसेल्फ? काफी अच्छा है, मतलब क्योंकि कोर्स रेप्स वगैरह काफी हेल्प करते हैं चीजों में, प्रोफेसर भी काफी गाइडेंस में हेल्प करते हैं। इट इज ऑल अपॉन यू, आप कितना मिल्क करते हो तुम्हारे कोर्स के अंदर। इज इट इजी टू मेक फ्रेंड्स हियर? या इट्स ऑल अपॉन यू। That's true. What was it was for me. Yeah, because I think if it's easy, if you make friends quite quickly, then definitely it helps you a lot. कि भई आपको homesickness वगैरह नहीं होती, वो सारी चीजें काफी easy है UK के अंदर यहाँ पे friends बनाना, वो आपके ऊपर भी depend करता है आप introvert हो extrovert हो। UK ये जो country है, UK city of culture है, तो हर तरीके के हर communities आराम से मिलजुल के रहती है। What about पार्ट टाइम जॉब्स? बहुत सारे स्टूडेंट्स का ना ये क्वेश्चन होता है, कहीं भी जाए पढ़ने के लिए जाए, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी कंट्री में, कि पार्ट टाइम जॉब मिलती है कि नहीं। तो प्रतिमा यहाँ पे आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो? Yes, so initially तो problem तो होगी, struggle करना पड़ेगा, but बाद में जैसे जैसे आपका contacts बढ़ते जाता है तो it's not that hard to get a part-time job here. Currently I'm doing part-time only. So last time I was doing as a waitress. So yeah, you'll get the job very easily. That's not a problem. It actually depends on you, how much active you are. No, that's true. जो last question जो मैं पूछना चाहूँगा कि भाई यहाँ की teaching style, क्योंकि बहुत सारे students को ये जानना होता है कि भाई यहाँ पे teaching style किस तरह की है, तो specifically अगर हम commentary industry की बात करें, टीचिंग स्टाइल कैसी है और इनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन किस तरह की है? डेफिनेटली इट्स कंपेयर्ड टू बैक इन माय कंट्री इट इज कंप्लीटली डिफरेंट। द अप्रोच इज ऑल टुगेदर अ न्यू कॉन्सेप्ट फॉर अस, बट लाइक वो ट्राई करते हैं इन्वॉल्व करने का सब स्टूडेंट्स को एक साथ, लाइक ग्रुप एक्टिविटीज होती है, लाइक क्लास एक्टिविटीज होती है, स्टूडेंट्स का इंडिविजुअल एक्टिविटीज होता है, तो अच्छा है, मतलब अच्छे से एक्सपोजर मिलता है, सबको एक्सपोजर मिलता है और हो जाता है। तो गाइस जैसे कि आपने सुना कि अगर आपको डर लग रहा हो ना कि भाई यार पता नहीं कैसी पढ़ाई होगी, क्या डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा पढ़ाई का, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और क्योंकि हर किसी को थोड़ी बहुत स्ट्रगल होती है यार, कहीं पे भी आप जाते हो किसी भी कंट्री में या नया कोर्स करते हो तो डेफिनेटली यू फेस लिटिल बिट स्ट्रगल, बट उसके बाद सब ठीक हो जाता है।
आई एम बैक, घर पे आ चुका हूँ। सच में बहुत अच्छा लगा। आई होप यू एंजॉयड एज वेल, कि भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स से हमने बात करी, यूनिवर्सिटी का पूरा टूर देने की मैंने आप लोगों को कोशिश करी है कि कॉमेट्री इंडस्ट्री किस तरह की है, एंड उसके साथ साथ इट वॉज अ लवली वेदर, ठीक है। और यूनिवर्सिटी में जो ग्रेजुएशन सेरेमनी हो रही थी, दैट वॉज अ रियली गुड, मतलब मुझे खुद इतने टाइम बाद ग्रेजुएशन सेरेमनी को अटेंड करके आई रियली एंजॉयड इट। एंड इफ यू आर प्लानिंग टू स्टडी अब्रॉड एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, देन डेफिनेटली यू कैन बुक योर टाइम विद लीप स्कॉलर, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, सो गो देयर एंड बुक योर टाइम एंड एनी क्वेश्चन एनी कंसर्न्स एंड सॉर्ट इट आउट एंड कम हियर इन द यूके। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।